करनाल नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लाईवुड से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने का कारण ट्रक का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। बता दें कि प्लाईवुड से भरा ट्रक यमुनानगर से भोपाल की ओर जा रहा था। जीटी रोड पर संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क पर पलट गया और जो प्लाईवुड रस्सी से बंधी हुई थी वो भी रस्सी के टूटने से बिखर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में जान की हानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस हादसे के कारण काफी देर तक जाम लग गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। जाम लगने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम से लोगों को राहत मिली। वही ट्रक के पलटने से आसपास अफरा तफरी भी मच गई। ट्रक चालक ने बताया कि ये प्लाईवुड से भरा ट्रक यमुनानगर से भोपाल की ओर लेकर जा रहे थे। करनाल जीटी रोड पर संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क पर पलट गया और जो प्लाईवुड रस्सी से बंधी हुई थी वो भी रस्सी के टूटने के कारण बिखर गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में वह बाल बाल बच गए हैं। फिलहाल ट्रक को क्रेन की सहायता से सीधा खड़ा किया जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि ट्रक को कितना नुकसान हुआ है। बताते नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लाईवुड से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने का कारण ट्रक का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे से कोई जान की हानि नहीं हुई है। भाई यमुनानगर से और भोपाल लेके जा रहे थे। क्या लोड है गाड़ी में? ये पिलाई है। ये भारी दिक्कत है, इस वजह से ट्रक पलटा है या क्या कारण? नहीं, भारी वारी तो नहीं थे, स्लिप मारती है, थोड़ा सा झोंक मारा गाड़ी ने, स्लिप मार गया, पूरा रस्सा वस्सा टूट गया गाड़ी का। हाँ, बेल्ट भी लगा रखी थी, रस्सा टूट गया, स्लिप की वजह, झोंक की वजह से गाड़ी गिर गई। स्पीड कितनी थी गाड़ी? स्पीड नॉर्मल थी, 20-25 की स्पीड थी। बिल्कुल स्लो कर रखा था भाई, घुमा में स्लो कर रहा था। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो कुछ नहीं खास नहीं, और खाली करा रहे गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी तिरान से खड़ी होने के बाद। आप ड्राइवर थे? हाँ, मैं ड्राइवर। कंडक्टर दोनों सेफ हो? दोनों सेफ है। गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है? गाड़ी का भाई अभी खड़े, गाड़ी सीधी होने के बाद में तब पता चलेगा। हाँ, दूसरी गाड़ी में भेजा जाएगा? हाँ, ये दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हासन है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन और JBD